हरियाणा के सियासत में सह और मात का खेल जारी है। वजह, हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेता और 5 बार की सांसद कुमारी शैलजा हैं। कुमारी शैलजा वर्तमान में हिसार से सांसद हैं, लेकिन हरियाणा की सियासत में मजबूत पकड़ बनाने के लिए वो विधानसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अगर कांग्रेस के हरियाणा की सत्ता में वापसी होती है तो सीएम पद के लिए मजबूती दावेदार हो सकती हैं। कुमारी शैलजा के विधानसभा चुनाव में अगर उतरेंगी तो भाजपा के साथ कांग्रेस के कई नेताओं की सियासी समीकरण बिगड़ सकती है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी चेहरे को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से कांग्रेस के चुनावी अभियान को लीड कर रहे हैं, उसके चलते उन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा है। किरण चौधरी के बीजेपी का दामन थामने, रणदीप सुरजेवाला के केंद्रीय राजनीति और कुमारी शैलजा के सिरजा सीट से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस में सीएम पद की रेस में आगे माना जा रहा है। ऐसे में अब शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की और हुड्डा के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समुदाय से आते हैं तो कुमारी शैलजा दलित समुदाय से हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सियासत जाट और दलित वोटों पर ही टिकी हुई है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हुड्डा और शैलजा की जोड़ी के दम पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। भूपेंद्र हुड्डा CLP और शैलजा PCC अध्यक्ष की कमान संभाल रही थी, लेकिन अब दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। हुड्डा और शैलजा को अपना अलग अलग खेमा है और एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। हुड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की केमिस्ट्री बना रखी है, तो वहीं शैलजा का रणदीप सुरजेवाला के साथ बेहतर तालमेल बैठता है। हरियाणा में कांग्रेस का दोनों ही खेमा पार्टी हाईकमान में करीबी माने जाते हैं, जबकि हाल ही में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों ने ही राज्य में अलग अलग यात्राएं निकालकर अपनी सियासी थास समझाने की कोशिश की। भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सभी जिलों में जाकर धन्यवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा यानी हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम चला रही हैं। कुमारी शैलजा कांग्रेस संदेश यात्रा चला रही हैं। देश की 40 शहरी सीटों पर पार्टी को मजबूत करना उनका लक्ष्य है। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अलग अलग जिले में परिवर्तन रैली कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नेताओं की गुलबाटी को ख़त्म करने के लिए अल्टीमेटम शीर्ष नेतृत्व देने के लिए एकजुट हुए हैं, लेकिन अब शैलजा ने विधायकी के चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुड्डा के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। कुमारी शैलजा ने कहा कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रही हूँ। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इसके लिए तैयारी करनी चाहती थी, लेकिन सिरसा और अम्बाला दोनों जगहों के कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते थे कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं, इसलिए मैंने सिरसा से चुनाव लड़ा, क्योंकि ये देश और हमारी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव था। उन्होंने आगे कहा कि अगर राज्य में मेरे समर्थक और शुभचिंतक मुझसे राज्य की राजधानी में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाएंगे और विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह करेंगे, इसलिए मैं इस पर विचार कर रही हूँ। हालांकि शैलजा ने यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया और अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व का ही होगा। सिरसा सांसद कुमारी शैलजा का बयान ऐसे समय आया जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सांसद होते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकसभा सांसदों सहित कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं। सीएम पद की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खासकर जब विपक्ष में होती है तो बिना किसी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के विधानसभा चुनाव लड़ती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा के उतरने से सबसे ज़्यादा चिंता का सबब भूपेंद्र हुड्डा के लिए है। हुड्डा खुद को सीएम की रेस में अपने आप को सबसे आगे मानते हैं और कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव में उतरती हैं तो विधायक बनने में सफल रहती हैं, ऐसा ही माना जा रहा है। ऐसे में अगर वो कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में वापसी करती हैं तो फिर सीएम पद के लिए हुड्डा के सामने कुमारी शैलजा भी अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं। हरियाणा में जिस तरह से सियासी माहौल है उसके चलते कांग्रेस की वापसी की उम्मीद मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए शैलजा और हुड्डा के बीच सियासी संतुलन बनाए रखने के लिए चुनौती खड़ी हो रही है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।